लखनपुर बॉर्डर की सबसे बड़ी नदी है जो कि सूख चुकी है, वो मैंने सूट किया है। आप देख सकते हैं बहुत चौड़ी नदी थी सबसे बड़ी, और यहाँ पे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, और ये काफ़ी बड़ी बहुत चौड़ी सी नदी। अब यहाँ पे नदी ख़त्म हुई और लखनपुर बॉर्डर पे हम लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था, और उसके आगे का ये थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट किया है। और देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रीनरी लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा। और आगे आप देखेंगे कि फ्लावर्स जो हैं वो यहाँ पे कोई पानी डालने वाला भी नहीं है, वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं कि कुछ पूछिए मत, जिससे इतना सुंदर लग रहा था किनारे किनारे। ये लखनपुर बॉर्डर के आगे जब वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो वहाँ का आगे का है, कश्मीर पहुँचने वाले थे ना, तब हमने ये शूट किया था। देख सकते हैं ये फ्लावर, देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर, रेड फ्लावर हैं। और ये यहाँ पे आपको पता कि हम लोग यहाँ पे जम्मू पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा बाकी मात्र 500 मीटर या 500 मीटर की दूरी बाकी थी जो जहाँ पे हम लोग को उतरना था। ये देखिए वहाँ की है, इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, बंदर इतने अनलिमिटेड बंदर है। और रियांश देखिए बैठे हुए हैं, बहुत खुश हो रहे हैं रियांश। रियांश को देखो, मंकी नहीं सुनेंगे बेटा आपकी आवाज़, आप अंदर हो ना, आप इशारे कर सकते हो। आप ये है रूम, आपको दिखाते हैं रूम। और हम लोग रेडी हो चुके हैं यात्रा करने के लिए, पैदल चढ़ाई करने के लिए। रियाज ये रियाज के डर, और ये मैंने सूट शेयर किया है। और ये रूम का मैं आपको टूर करा रही हूँ, ये जिस रूम में रुके थे कटरा में, जो कटरा नहीं जम्मू ही है जहाँ पे बस उतर रही थी। और ये रूम में बेड है हमारा, और ये पिलो है, मतलब नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी, मतलब क्लीनिंग बहुत अच्छी थी, कोई भी साफ़ सफाई बहुत थी, वॉशरूम वगैरह। ये यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं, और ये जस्ट यहाँ पे वॉश विंडो है, तो यहाँ पे विंडो का भी मैं दिखा रही हूँ। इधर साइड में LED लगी हुई थी, और ऊपर फ़ैन था, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी थी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और ठंडा पानी बहुत ज़्यादा था। ये हमारा बेड बैग वगैरह रखा हुआ है। ये मेरा मनीष, ये मेरी रिया, और इधर सिमरन। हेलो बोलो, हेलो हेलो खाना खा लो, खाना खा लो, पीछे को देखो, पीछे करो। हम लोग चढ़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं, खाना वाना का मास्क लगा चुके हैं। ये है भैंस, ये वैष्णो देवी मंदिर, मतलब जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं वहाँ से हम लोग यहाँ पे, मतलब जो खच्चर होते हैं और ट्रॉली वाले होते हैं वो बहुत परेशान करते, पूरा ढेर लगा के खड़े हो जाते हैं, वही सभी लोग पीछे रह गए। और ये देखिए आसमान नीट एंड क्लीन, बहुत पास लग रहा था। और हमें सबसे ऊपर जाना है, हम लोग को अर्धकुंवारी तक जाना है, और फिर रेस्ट करके फिर आगे की चढ़ाई करें। क्योंकि 14 किलोमीटर से 7 किलोमीटर आ चुके हैं हम नेक्स्ट डे, जो आपको मंदिर दिख रहा है ऊपर। जय माता दी, जय माता दी, की जय। हम लोग चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, और देखिए बच्चे थक जाएंगे अभी। जय माता दी, जयकारा वैष्णो माई जी का बोलो, साचे दरबार की जय। सारे जय बोल। और ये हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, काफ़ी ऊंचाई पे हैं। और रियांश को हम लोगों ने घोड़ा करा दिया था, क्योंकि फिर उसे वो इतना पैदल नहीं चल पाता। जितने भी बच्चे थे सारे घोड़े पे बैठ गए थे, और बाकी सब लोग पैदल चल रहे थे। घोड़ा वाला फिर जहाँ आप रुकते हो वहाँ रुक जाता है, या फिर वो वहाँ लास्ट में आपको उतार देता है। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, और रियांश पीछे घोड़े से आएंगे। हम सिमरन, और ये सिमरन का जो बुआ का बेटा है ना, तो हम सब साथ में थे, भाभी पीछे थे भैया लोग के साथ, वो लोग आपसे मिला। सिमरन में
यहाँ पे फोटोग्राफर्स होते हैं, पूरा उन्होंने माता रानी का पूरा अच्छे से बना रखा है, देख सकते हैं पूरा बहुत सुंदर सुंदर था। हम लोगों ने भी पिक खिंचवाई है, आप लोग के साथ शेयर करेंगे वहाँ से। और ये देखिए ऊपर चढ़ाई जाने का रास्ता है, ये पूरी मार्केट है यहाँ से। अभी हम लोगों ने चढ़ना स्टार्ट ही किया है तो रास्ते में जो मार्केट है, ये हस्बैंड खड़े हुए हैं, घोड़े का इंतजार कर रहे हैं रियांश का पीछे से। और ये देखिए अब हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं। हम लोगों ने 4:15 बजे चढ़ाई स्टार्ट की थी और 9:30 बजे तक अर्धकुंवारी पहुँच गए, 9:30 या 8:30 ऐसे कुछ पहुँच गए थे। ये रास्ते में मंदिर पड़ता है इच्छापूर्ण माता है पूरा, इसका मैंने देखा नहीं था, ये मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। और यहाँ पे सिमरन वेट कर रही है आगे चलने का, और मनीष जो नया रास्ता ध्यान जाए माता दी आगे भी देना आपके साथ। हां है पैसा है बोलो हॉर्स जय माता दी आगे से खींचो घोड़े के निशान। काफ़ी ऊंचाई नीचे जितना देख रहे हैं ना, कितना ऊंचाई पे चढ़ के आ चुके हैं। और ये रात का भी है, 8:30 बज रहा होगा। और ये देख सकते हैं लाइटिंग, हम अर्धकुंवारी पे पहुंच चुके हैं। रियांश वगैरह को जहां घोड़े ने उतारा था तो वहां पे हम लोग बैठे हुए थे, तो वहां का हम लोगों ने व्यू लिया था रात में। देख सकते कितना अच्छा नज़ारा था ऊपर से, क्योंकि हम लोग अब 7 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आ चुके हैं। अब हम 7 किलोमीटर में कल मॉर्निंग में करेंगे, तो ये अर्धकुंवारी पे हम लोग रेस्ट करेंगे। तो पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी, एक किलोमीटर काफ़ी जगह सुविधा हो चुकी है। यहाँ पे पहले टीन सेट वगैरह नहीं थे, लोग ऐसे ही चढ़ते थे, बारिश और पत्थर यहाँ गिरते रहते थे बता रहे थे। कितनी चढ़ाई हम लोग करके आए हैं। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मजा आई रियांश हॉर्स हॉर्स ने जहाँ से उतार दिए थे। ये रियांश जो भाभी हैं उनकी बहन की बेटी है, रियांश की फ्रेंड बन गई। तो थोड़ी दूर बचा था मात्र 50 मीटर, मतलब थोड़ा सा था, तो थोड़ी दूर रियांश को पैदल चलवाया। तो रियांश उसके साथ आ रहे थे, कह रहे रुक गए जाओ थक गए। और ये है अर्धकुंवारी मंदिर, ये 9 महीने इसमें मैया रानी रही थी। मंदिर है, गुफा बनी हुई, यहाँ पे हम लोग दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी थी हम लोग का। 570 रात में हम लोगों ने नंबर लगाया था, सुबह तक नंबर लोग पहुँच चुके हैं। अर्धकुंवारी है ना ये, अर्धकुंवारी जहाँ मैया रानी 9 महीने गर्भ में थी ना। हाँ। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये लोग तो आते रहते हैं, आते रहते हैं, वाह वाह रोज आते हैं। क्या मतलब जय माता। अच्छा कहाँ जा रहा है तेरा, भगे जा रहा है।